हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद प्राइड। आज हम लोग बात करेंगे कल मार्केट में कैसा मूव हो सकता है और कौन से स्टॉक्स हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और आज भी मैंने कुछ कम्युनिटी पोस्ट में एक चार्ट डाला था कि मतलब बैंक निफ्टी का एक रेंज बना रहा था, तब मैंने चार्ट डाला था कि इसको ब्रेक करने से वो मिलेगा, तो हम लोग को डिजायरेबल टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल गया था। 46,200 हम लोग का टारगेट था, देन ये टारगेट तो हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो अभी कल देखते हैं कल हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी का, और आज मंथली कैंडल भी क्लोज हुआ है, तो मंथली हम लोग डिस्कस करेंगे आपका इस वीकेंड में, मंथली का डिस्कस कर लेंगे। तो अभी देखते हैं कि कल हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और फ्राइडे कभी कभी ट्रेंडिंग हो जाता है, तो फ्राइडे के लिए हम लोग को थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा। थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो जाता है तो ऊपर के तरफ देखो, अभी कहीं पर बैंक निफ्टी मतलब एडजस्टेड प्राइस क्लोजिंग के बाद यहाँ पर कहीं पर क्लोज हुआ है, 120 के यहाँ पर क्लोज हुआ है। देन हम लोग को सिंपल है, ऊपर 46,300 ये लेवल हो जाएगा, नीचे 46,000 ये वाला लेवल हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होता है देन इसको क्रॉस करता है, देन हम लोग का 46,600 तक का भी आ सकता है। एटलीस्ट पहले तो राउंड फिगर 500 तक आएगा, देन 600 तक भी आ, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 300 तोड़ता है, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये 100 भी 46,000 भी तोड़ता है, 46,000 भी तोड़ता है, देन हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा अराउंड लाइक 45,800-700। इस लो के थोड़ा ऊपर, इस लो के थोड़ा ऊपर ऊपर टारगेट हो जाएगा। और अगर इस लो को फ्लो फ्लो में तोड़ता है तो हो सकता है थोड़ा बड़ा मूव भी आ जाए। और अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया देन यहाँ पर 400-450 के आसपास यहाँ पर गैप अप हो गया देन हो सकता है मार्केट पहले थोड़ा सा आए, देन आपका गैप फिल करने के बाद थोड़ा सा साइडवेज रह के देन हो सकता है सेकेंड हाफ में एक मूव आए, हो सकता है। या फिर हो सकता है यहाँ पर भी एक हो सकता है कि सेलिंग आ जाए, क्योंकि डायरेक्ट अगर मतलब रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ओपन होता है देन हो सकता है चांसेस है कि यहाँ से स्लाइडिंग करना शुरू करें, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग को तब थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, बहुत बड़ा गैप अप होता है देन देखना पड़ेगा कि स्लाइड हो रहा है या फिर कुछ बना के देन ये ब्रेक कर रहा है। देन अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, बहुत बड़ा गैप डाउन होने से फिर ये नेगेटिव बन जाएगा। 45,900 के आसपास अगर गैप डाउन होता है देन ये नेगेटिव बन जाएगा। देन हो सकता है कि इस लो को भी रेस्पेक्ट ना करें, देन थोड़ा सा टाइम यहाँ पर ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग आके जो भी हो देन थोड़ा सा नीचे आए, देन हम लोग को यहाँ पर ट्रेड बन सकता है, देन हम लोग को ये लो भी तब कल ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी। अभी देखते हैं निफ्टी, निफ्टी भी सब चार्ट एकदम सिमिलर क्लोजिंग दिया आज। ठीक है, तो निफ्टी भी एकदम सिंपल है, अराउंड क्लोजिंग हुआ है अराउंड इसके नीचे, इस यहाँ पर कहीं पर क्लोजिंग हुआ है। तो हम लोग का सिंपल है, ऊपर अगर 22,050 ऊपर का लेवल है और नीचे का लेवल है 21,940 ऐसा पकड़ लो, 940 पकड़ लो राउंड फिगर में, 940 पकड़ लो, 930 या 40। ठीक है, तो 22,050 एंड 21,930 पकड़ लो या 40 पकड़ लो कुछ भी, देन ये रेंज रहेगा हम लोग का कल के लिए रेंज। ठीक है, इसका इस बीच में ट्रेड मत करना, इसमें वॉलेटिलिटी हो सकता है, इस बीच में ट्रेड मत करना। तो हम लोग का सिंपल है, अगर ये 22,050 तोड़ता है देन हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा आपका 22,160-170 इस लेवल तक आ सकता है मार्केट। ठीक है, इसको तोड़ेगा देन अगर नीचे का लेवल तोड़ता है देन हम लोग का इस रेंज तक, नीचे का थोड़ा सा छोटा है क्योंकि इतना नहीं आएगा, 880-870 या फिर 890 इस तरह का आ सकता है। मतलब हम लोग को ज़्यादा पॉइंट 40-50 पॉइंट का हम लोग एक मूव मिल सकता है नीचे। देन इसको अगर तोड़ता है तब आएगा थोड़ा सा बड़ा मूव। ठीक है, इसको अगर तोड़ता है देन थोड़ा बड़ा मूव आने का चांसेस है। और सेम अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो हो सकता है कि ये सेलिंग में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि अगर मैं गैप अप होने से कल थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा कि सेलिंग के लिए अगर आता है तो मैं सेल, अगर मान लो यहाँ पर ओपन होता है देन मुझे कुछ मिला देन मैं पर सेल करना मतलब सेल कर दूंगा, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है देन होता है, क्योंकि मतलब डायरेक्टली अगर इसके ऊपर गैप अप होने से मैं थोड़ा सा मेरे लिए कॉशियस सीन है। तो यहाँ से अगर ये मान लो अभी यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है तो यहाँ से अगर यहाँ पर डायरेक्ट ओपन होता है देन मेरे लिए थोड़ा सा कॉशियस वाला सीन है कि हो सकता है कि मैं यहाँ पर शॉर्ट कर दूंगा, 5 मिनट में कुछ मुझे ब्रेकडाउन मिल रहा है तो मैं शॉर्ट कर दूंगा अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है देन इट्स ओके। बट मैं वो पसंद करूंगा क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली गैप अप नहीं होना चाहिए, ये फ्लैट ओपन हो देन तोड़े देन मैं उसमें ज़्यादा बिलीव रखूंगा। ठीक है, तो और गैप डाउन में भी सेम, गैप डाउन में अगर गैप डाउन होता है देन गैप डाउन में मैं बेयरिश रहूंगा, लेकिन मैं प्राइस एक्शन के साथ, गैप डाउन हुआ मान लो यहाँ पर देन थोड़ा पुल किया देन फिर इसको जब ब्रेक करेगा लो को देन मैं उसमें ज़्यादा पसंद करूंगा ट्रेड करना। तो ये हो गया निफ्टी। अभी हम लोग सेंसेक्स देख लेते हैं, तो अभी हम लोग सेंसेक्स देखते हैं। सेंसेक्स में हम लोग को कल एक्सपायरी भी है, तो सेंसेक्स कभी कभी वायलेंट मूव भी करता है, मतलब एक्सपायरी में मतलब इसका मूव इतना वायलेंट नहीं होता लेकिन प्रीमियम का मूव बहुत वायलेंट होता है। तो सेंसेक्स में सिंपल, अगर ये क्लोजिंग कहीं पर आसपास यहाँ पर दिया 600 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग दिया, ठीक है,
तो हम लोग का सिंपल है, अगर ये 700 तोड़ता है 72,700 देन 72,300, हाँ ये वाला रेंज 400 पॉइंट में नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी हो जाएगा। हाँ तो 72,700 जब तोड़ेगा ऊपर की तरफ फ्लैट ओपन होने के बाद, तो हम लोग का टारगेट हो जाएगा 73,100, 73,000 एटलीस्ट। पहला तो 73,000 हम लोग का 300 पॉइंट का मूव तो दिख रहा है, देन उसके ऊपर हो सकता है 100-150 पॉइंट और भी मूव कर जाए। हाँ देन नीचे नीचे की तरफ अभी थोड़ा सा, जैसे कि मैं निफ्टी में भी दिख रहा है कि यह इसमें सेंसेक्स में ज़्यादा मूव नहीं है। 300 के नीचे तोड़ने से आपका 100 तक का एक मूव मिल सकता है, या फिर हो सकता है 150-200 पॉइंट का एक मूव मिला, अगर इसको तोड़ता है देन हो सकता है बड़ा मूव आए। तो हम लोग का सिंपल है, इसमें भी ब्रेकआउट में अगर यहाँ पर गैप अप होता है मतलब डायरेक्टली बहुत बड़ा, देन हम लोग का थोड़ा सा कॉशियस हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली 700 के ऊपर डायरेक्टली गैप अप नहीं होना चाहिए। कल एट एनी कॉस्ट 700 के ऊपर डायरेक्टली गैप अप नहीं होना चाहिए। देन यहाँ पर अगर सेलिंग आता है मैं देन सेल करना पसंद करूंगा, हो सकता है ये सेलिंग में कन्वर्ट हो जाए फिर, ऐसा हो सकता है। देन बहुत बड़ा अगर गैप डाउन दे दिया देन ये फिर से बेयरिश बन जाएगा, इस लो को भी तोड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तब तब वो प्राइस एक्शन देख के 5 मिनट का 10 मिनट का प्राइस एक्शन देख के ऊपर की तरफ जब पुल करके फिर नीचे का ब्रेक करते रहेगा, देन मैं यहाँ पर ट्रेड करना पसंद करूंगा। देन कुछ इंट्राडे स्टॉक्स देखते हैं। पहला स्टॉक है अदानी, ये कल 32,070 के नीचे ओपन ना हो, इस लेवल के नीचे ओपन ना हो, 32,770 के नीचे ओपन ना हो, देन अगर ये इस लेवल के नीचे ओपन ना हो के इसको फिर से इस लेवल को ब्रेक करेगा 90 को या फिर 95 इसको ब्रेक करेगा ना, 90-95 को ब्रेक करेगा राउंड फिगर से पहले पहले, देन आप उसको ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, ये एक कंडीशन है, थोड़ा टाइम स्पेंड करे अगर देन मैं उसमें ज़्यादा अच्छा मतलब प्रीफरेबल होगा। एंड देन 32-95 ब्रेक करते ही आपको अच्छा खासा मूव मिल सकता है, अराउंड लाइक 33-40 ऐसा मूव भी, इसको भी शायद कल रेस्पेक्ट ना करे, अगर इसको जाना होगा देन इसको कल रेस्पेक्ट ना भी कर सकता है। देन 33-20 तो मतलब आपका 35-40 पॉइंट का तो आपको मूव मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, आपका 10-15 रुपये स्टॉप लॉस रखना है, 1-2 आपका टारगेट रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टॉक है ONGC, ONGC में भी आपको बाइंग के लिए देखना है। हाँ तो बाइंग के लिए क्या कैसे देखना है कि अगर आपको देखो, अगर ये अभी ये इसके नीचे ओपन नहीं होना चाहिए, 264 के नीचे ओपन नहीं होना चाहिए, 264 के नीचे ओपन ना हो, यहाँ पर इसके ऊपर ओपन हो, 264 के ऊपर ओपन हो, देन ये आपको 6-65-50 इसको ब्रेक करें फिर से, 265-50 जो जिस लेवल पे अभी है इसको थोड़ा सा ब्रेक करें, क्योंकि एडजस्टेड प्राइस थोड़ा सा कम है, तो 265.5 को ब्रेक करें देन आपको ट्रेड मिल सकता है। देन आपका इसमें 1-1.5 रुपये मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहेगा, आपका टारगेट इस लेवल तक का भी हो सकता है, 268 तक का भी टारगेट हो सकता है, ठीक है। देन आपका 1-2 मिनिमम टारगेट हो जाएगा। हीरो मोटो को भी आपको बाइंग के लिए देखना है, लेकिन ये लास्ट वाला कैंडल थोड़ा सा एक अजीब टाइप का कैंडल बना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें मतलब अगर हो सके तो अवॉइड करना, बट कोई स्टॉक नहीं मिल रहा था कि स्टॉक सारे चार्ट्स ऐसे थोड़ा सा बिखरा हुआ है, तो इसलिए मैं एक्चुअली देने का मन भी नहीं था, बट फिर भी तो हीरो मोटो को 44-15 या 10 के नीचे ओपन नहीं होना चाहिए, 44-15 या 10 के नीचे ओपन नहीं होना चाहिए, इस लेवल के आस इसके नीचे ओपन नहीं होना चाहिए। देन ये फ्लैट ओपन होके इसको क्रॉस करे फिर से, ठीक है, इसको क्रॉस करे फिर से 44 आपका 44-30 पकड़ लो, 30 या 35 पकड़ लो, इसको क्रॉस करे, देन हम लोग का पहला टारगेट 60 लेवल तक आ सकता है, 44-60 तक आ सकता है, देन हो सकता है इसको भी क्रॉस करके इस लेवल तक भी आ जाए, 44-80 तक भी आ जाए, क्योंकि स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है एंड वो वॉलेटाइल स्टॉक्स माना जाता है, तो हो सकता है यहाँ तक भी मूव आ जाए। देन आपका स्टॉप लॉस रहेगा मैक्सिमम 15-20 रुपये, देन 1-2 आपका मिनिमम टारगेट हो जाए। नेक्स्ट स्टॉक है BBL, BBL में भी आपको बाइंग के लिए देखना है। देन बाइंग कहाँ देखना है, देखो अगर ये ओपन होता है 1405 के ऊपर, 1405 के ऊपर अगर ओपन होता है, 1405 के नीचे ओपन नहीं होना चाहिए, देन ये आपका क्रॉस करे 1415 को क्रॉस करे, 1415 को फिर से क्रॉस करे, ये 1415 को फिर से क्रॉस करे, देन आपका यहाँ तक का 1440 तक का ऑलमोस्ट टारगेट हो जाएगा। देन इसमें आप थोड़ा सा टारगेट बढ़ा रख सकते हो, देन इसमें आप 1-3 ऐसा 1-4 टारगेट भी रख सकते हो, देन इसमें 6-7 रुपये स्टॉप लॉस रहेगा, देन 1-3 1-4 आपका टारगेट हो जाना चाहिए, क्योंकि 1450 से अगर 1440 तक का होगा देन आपका ऑलमोस्ट 25 रुपीज़ होगा, देन आप 1-3 1-4 टारगेट के हिसाब से इसमें रख सकते हो। इस वीकेंड को जो मैं मंथली एनालिसिस करूँगा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि चार्ट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो हम लोग मिलते हैं वीकेंड में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया और अपना ख्याल रखना।